चलिए अगेन मैं आपको कुछ प्रोग्राम स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं तो अभी ये टॉपिक कई सारे सेशंस में चलेगा। क्वेश्चन क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग, कैलकुलेट एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर। कैलकुलेट एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर, आपको हर करेक्टर की क्या प्रिंट करानी होगी, फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे इनपुट में हमने क्या लिखा, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर में देखो ए कितनी बार आया, दो बार, क्योंकि हार्डवेयर में एक तो ए ये है और वेयर में एक ए ये है। सी एक बार आया, डी एक बार आया, अगेन देखो ई दो बार आया है, कंप्यूटर में ई है और हार्डवेयर में ये वाला ई भी एक गिवन है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो क्यों ना मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार पहले बना के दिखाऊं। सिंपल ब्लूजे में जाएं आप और दैट वाज द प्रोग्राम। एक नई क्लास बनाई, व्हाट वाज द क्लास का नाम, फ्रीक्वेंसी। हमने ओके पर क्लिक किया, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, इसे हमने मैक्सिमाइज कर दिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, वी हैव डिलीटेड ऑल और सारी चीजों को हमने डिलीट कर दिया। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, हम यहां आए, आई हैव कॉपीड इट और मैंने यहां पर इसे पेस्ट कर दिया। यहां से चीजों की शुरुआत की और यहां पर आके इसे मैंने बंद कर दिया। अब आपको इस वाली चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार बताना चाहता हूं। कंपाइल करें आप इसे, नो सिंटैक्स एरर। आप रन करें, मेन में आए, ओके पर क्लिक किया, मैक्सिमाइज इट और यहां पर आप लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर हार्डवेयर, जस्ट प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं यहां करेक्टर आ रहे हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बीच में गैप कैसे आया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, कि ये बीच में गैप किस तरीके से आ रहा है। यहां पर ये ए है, यहां पर इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, यहां पर ये सी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ये चीज शायद आपको समझ में आ रही होगी। सो चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। java.util ले लिया, आज मैंने कॉपीज देखी थी, आकाश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अभी तक की कॉपीज में। मुझे युवराज और आकाश इनकी कॉपी ज्यादा बेहतर लगी। मैंने हर इंसान को कुछ न कुछ फीडबैक दिया है। मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब मैं आपकी कॉपी चेक करूं तो उसमें ये सारी एरर्स नहीं होनी चाहिए। java.util हुआ, क्लास बनाई। देखिए क्लास का नाम हमेशा आप सेंसिबल रखेंगे। जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप भी अपनी क्लास का पहला लेटर, आपको कैसा रखना चाहिए, कैपिटल रखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एफ कैपिटल है ना, दिस इज द मेन। ये कुछ वेरिएबल बनाया, आई लेन, आई गारंटीड लूप में यूज हो रहा होगा, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ पता, एफ जरूर एक नई चीज है आपके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए।
अब यहां पर एंटर एनी स्ट्रिंग, मैं थोड़ा सा इसे एनोटेट करके दिखाऊंगा, जो अभी करके दिखाया वही चीज लिखनी है। सो क्या किया था बेटा इसके अंदर, देखो एक लेंथ निकाल लेते हैं, सॉरी पहले एस में हमने एक वैल्यू स्टोर की, क्या वैल्यू थी बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर लेंथ, कोई भी एक लेंथ रेंडमली 20, इसे दिल पे मत ले लेना, वैसे ही लिख लिया है मैंने। करेक्टर फ्रीक्वेंसी, देखिए जब आप असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहे हैं तो ये नेस्टेड लूप का यूज किया गया है भाई, ये ए टू जेड आपने लिख लिया क्योंकि लेटर तो ऐसे चलेंगे, फ्रीक्वेंसी को यहां पे इनिशियली क्या कर लिया, जीरो, यानी कि एफ इनिशियली क्या है, जीरो है। अब सबसे पहले सी में तो ए होगा ना बेटा, क्या होगा ए, अभी नेस्टिंग कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होगी, नेस्टिंग, जब ऊपर वाला लूप एक बार चलेगा, जब ऊपर वाला जो लूप है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, जब ऊपर वाला लूप एक बार चलेगा तो फिर अंदर वाला जो लूप है ना, अंदर वाला, वह पूरी बार चलेगा। जब ऊपर वाला जो लूप है वो कितनी बार चल रहा है, एक बार, तो अंदर वाला लूप पूरी बार चलेगा, यानी कि जैसे ए है ये, तो इस पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर में ये देखेगा कि ए कितनी बार आया। ये मैं शायद कल भी आपको बता चुका हूं, जैसे जो घड़ी होती है दीवार वाली, कि जो आर की सुई होती है ना घंटे की, वो जब एक बार चलती है तो मिनट की सुई 60 टाइम चलती है, तो जीरो से लेकर लेंथ तक एक एक लेटर को निकालते चले गए भाई, एस के ऊपर ही तो लगाया ये कैरेट, जीरो इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर, सी, सी निकल कर आ गया सी एच में, और सी में क्या है भाई साहब, ए है, तो क्या ए और सी बराबर होते, नहीं होते। अरे ये प्लस प्लस एफ तो तब होगा जब सी की वैल्यू जो ए है और सी एच की वैल्यू बराबर होगी, तो ये देखो आई प्लस प्लस होता चला जाएगा, जब यहां आएगा ए पर, इस जगह पर जब आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, तब जाकर उसकी वैल्यू मैच करेगी, तो प्लस प्लस एफ हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ता है, फिर एक बार ए मिला होगा, तो अब यहां पर इसकी वैल्यू दो हो गई होगी एफ की, यानी कि जीरो की जगह पर अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, दो। जब ये अंदर वाला लूप खत्म हुआ होगा यहां से लेकर और यहां तक, यहां टेस्ट हुआ होगा, देखिए ये वाली चीज कि क्या एफ की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो जो भी लेटर था विच इज ए, उसके बीच में दो बार सेलेस्टी लगा दिया है, इसे एस्केप करेक्टर कहते हैं बेटा, व्हाट वी से, इट इज अ एस्केप करेक्टर, सेलेस्टी से गैप आ जाता टैब, दो बार लगा दिया तो थोड़ा ज्यादा गैप होगा, दो बार अगर गैप लगा दिया है तो ज्यादा गैप होगा, और फिर यहां पर एफ की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया विच इज व्हाट, टू। देखिए यहां से कंट्रोल, जब ये लाइन खत्म हुई होगी फिर ऊपर गया होगा सी प्लस प्लस, अब ए की वैल्यू, जो सी की वैल्यू है सॉरी, वो अब वैल्यू क्या हो गई होगी, बी, क्योंकि पहले जब ए थी तो सी प्लस प्लस के बाद बी हो गई, बी जेड से छोटा होता है, ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बोलने वाला हूं, जब जब हम ऊपर वाले लूप से इस अंदर वाले लूप में आएंगे, जब जब हम ऊपर वाले लूप से अंदर वाले लूप में जब हम आएंगे, तो फिर से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ये फिर से क्या हो गया, जीरो। फिर अब बी को पूरे स्ट्रिंग में ढूंढेगा, जीरो से लेके कहां तक, ये जीरो पे था, और कहां तक, लेंथ तक, जो भी लेंथ हमारी निकल कर आई होगी, लेस देन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक लेटर निकाला, जो लेटर यहां पे निकल कर आता है उस इंडेक्स पर, वो किस में आता है, वो सी एच में, तो भाई से सी की वैल्यू अब बी है, तो क्या बी इसके बराबर है, अगर वो बराबर होगा तो फिर से प्लस प्लस एफ होता चला जाएगा, अगर बी नाम का जो लेटर है अगर इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी नहीं मिलता है तो एफ की वैल्यू तो जीरो होगी ना,
जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो क्या जीरो बड़ा होता है जीरो से? नहीं होता। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली चीज ब्लॉक हमारा नहीं चलेगा। सो किसी बच्चे ने कुछ पूछा है? करेक्टर फ्रीक्वेंसी के बारे में सिंपल आपको यह समझना है कि एक करेक्टर कितनी बार है इस कंप्यूटर हार्डवेयर में, ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर हैं उनकी यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अदीप कुछ पूछना चाहता है? तो सर ये हमने करेक्टर अगला प्रोग्राम एक बार देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत सरल है बट उससे समझना भी पड़ता है हम लोगों को। हमने एक स्ट्रिंग ली, इफ स्ट्रिंग एंड विद क्वेश्चन मार्क, इफ स्ट्रिंग एंड विद व्हाट क्वेश्चन मार्क, देन प्रिंट द स्ट्रिंग इन द गिवन फॉर्मेट। देखिए एक स्ट्रिंग लो, जैसे मैंने ली वेयर आर यू, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया बेटा? क्वेश्चन मार्क। इफ स्ट्रिंग एंड विद क्वेश्चन मार्क, तो भाई साहब जहां जहां लेटर है उसकी जगह पर क्या आ जाना चाहिए? स्टार। उसकी जगह पर क्या आ जाना चाहिए? स्टार आ जाना चाहिए। वेयर आर यू, ये 5 स्टार यहां आ गए, ये 3 स्टार आ गए, और यहां पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर भी स्टार लगा दिया है। तो एक तो इन स्ट्रिंग लेनी और ये चेक करना है कि एंड में क्वेश्चन मार्क है या नहीं है। तो मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, आपको जानो था एंड विद। कौन सा मेथड था बेटा? एंड विद। ये प्रोग्राम में आपको एक बार चला के दिखाना चाहता हूं। फॉर्मेट, नई क्लास बनाई, फॉर्मेट, ओके। सरल सा डेमो है बहुत। कंपाइल इट, नो सिंटैक्स एरर। मेन में गए युवराज भाई, ओके। एंटर एनी स्ट्रिंग, क्या लिखा बेटा मैंने? वेयर आर यू, बट इसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया मैंने। एंटर प्रेस किया, सी, जहां जहां लेटर है उसके नीचे स्टार आ गया ना। देखिए जहां स्पेस है वहां पे स्टार नहीं आ रहा भाई, बट अगर मान के चलिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखी तो वेयर आर यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मान के चलिए क्या नहीं लगाया है आपने, मान के चलिए इसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया। किसका यूज नहीं किया है? क्वेश्चन मार्क। मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जो आपने डाला वही था, स्टार तो नहीं आए। तो पूरा कॉन्सेप्ट किसके पीछे टिका हुआ है बताएं, कि क्या स्ट्रिंग के बाद क्वेश्चन मार्क है या नहीं। तो जावा डॉट यूटिल क्लास मेन कुछ वेरिएबल्स बना लिए हमने, एंटर एनी स्ट्रिंग, यहीं पर वेरिएबल बनाया, उसकी लेंथ निकाल ली, बस यहां चेक कर लिया। देखो एंड स्पिथ, मैंने आज अदीप बताया था कि फंक्शन की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होती है। अगर उसके बाद कोई कंजुगेटिव वर्ड्स हैं, अगर इफ वी हैव दी कंजुगेटिव वर्ड्स लाइक जैसे विद है, तो विद में ये डब्लू दिख रहा है ना आपको, डब्लू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एस डॉट एंड्स विद, ये जो डब्लू दिख रहा है। सो यहां पर अगर क्वेश्चन मार्क है उस स्ट्रिंग के बाद, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये लूप चला दिया हमने, जीरो से लेकर लेंथ तक एक एक लेटर को हम निकालते चले गए इसमें। अगर
वो सी एच जो है वो अगर स्पेस के बराबर है, देखो ये स्पेस है तो स्पेस ही ले लेना, एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस सी एच, अरे स्पेस ही होगा तो स्पेस आ जाएगा। परंतु अगर स्पेस नहीं है तो वो एल्स में आएगा ना भाई, और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया स्टार। ये मैंने कंपाउंड ऑपरेटर का यूज कर लिया है, ये आपने शायद कभी नाइन्थ क्लास में सुना होगा, इसे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। व्हाट वी से दिस इज दी अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और यू कैन से व्हाट कंपाउंड ऑपरेटर, आप इसे कंपाउंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो एस टी आर इज इक्वल टू एस टी आर प्लस, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया स्टार। अरे भाई ये कंपाउंड ऑपरेटर है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो इस चीज को ये कंपाउंड ऑपरेटर यूज कहां करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जब कभी एक वेरिएबल पर दो काम करा रहे हो आप, उसी में तो इस स्टार को ऐड कर रहे हैं और उसी को इसे असाइन करा रहे हैं। देखिए ऊपर हमने ये एस टी आर एक खाली वेरिएबल बनाया था, यहां पर ये रहा देखो, चाहता तो मैं यहीं पर एस कॉमा एस टी आर कर सकता था और यहां पर आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, समझ रहे हैं आप, ऊपर ही वेरिएबल बना लिया हमने। अब आपको बस ये समझना है कि स्पेस जहां कहीं हो उस स्पेस को एज इट इज ऐड कर लेंगे, अदरवाइज इस स्पेस के अलावा कोई भी लेटर हो उसको हम क्या मान लेंगे, स्टार मान लेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम में अगर मैं आपकी जगह होता युवराज भाई, तो इसमें बस ये समझता कि क्या जो ये एस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एंड्स विद दिस क्वेश्चन मार्क, क्या जो ये स्ट्रिंग है इसके बाद क्या एंड में क्वेश्चन मार्क अगर है, तो एक एक लेटर को हम इंडेक्स पे से निकालते जा रहे हैं। बस ये चेक किया है हमने, अगर स्पेस है तो वो एज इट इज सी एच में जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी, स्पेस ही आएगा। तो मैंने शायद आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश की थी, मान के चलिए अगर एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इसमें अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता। भाई कौन से ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता होगा बेटा। सो ये पॉइंट शायद आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे, आई थिंक इजी था प्रोग्राम, एंड्स विद को समझना था। नेक्स्ट, राइट प्रोन टू इनपुट एनी नेम, कोई भी नाम लीजिए, एंड प्रिंट द नेम विद द गिवन फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा नाम क्या, दीन दयाल सिंह, तो आपने देखा कि दीन के बाद आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा होगा, स्पेस तो वहां डॉट लग गया, दयाल के बाद स्पेस दिख रहा होगा तो वहां डॉट लग गया, और सिंह के बाद यहां तो स्पेस होगा नहीं भाई, इस जगह पे तो स्पेस होगा नहीं, तो वो एज इट इज प्रिंट हो गया। अब जैसे आपका नाम होता मान के चलो ध्रुव शर्मा, ऐसे करके, तो बस यही तो स्पेस है भाई, इस जगह पर ही तो स्पेस है, तो ध्रुव की जगह क्या हो जाता, डी डॉट और उसके बाद शर्मा आ जाता, ऐसे करके। मेरे नाम में एक्चुअली तीन वर्ड हैं, दीन दयाल और सिंह, तो अब ये कैसे आया होगा, पहले तो आपको मेरी समझ में इसे एक बार चला के देखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीज आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो मैं एक नई क्लास पर आया एंड व्हाट आई हैव रिटन नेम वन, ओके, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट किया, वी हैव डिलीटेड इट, और हमने इसे क्या किया बेटा, डिलीट कर दिया। मैं वही प्रोग्राम आपके सामने लेके आना चाहता हूं,
name one. I have copied this. Paste कराया यहाँ पे. Compile. देखिए क्या कह रहा है. No syntax error. No syntax error. चला के दिखाना चाहूंगा आपको मैं. इसके सिर पे राइट क्लिक किया, मेन में आए, देन क्लिक ऑन ओके. यहां पर आपने लिखा बेटा दीन दयाल सिंह, एंटर प्रेस करिए. आप देख रहे हैं दीन की जगह डी डॉट, दयाल की जगह अगेन डी डॉट, और फिर क्या आ रहा है बेटा, सिंह आ रहा है. तो ये आखिर में कैसे हुआ होगा, आखिर में ये कैसे हुआ होगा, ये आपको मुझे बताना है. हाउ वी कैन डू इट, इस चीज को प्लीज एक बार आप समझिए. ये मेरा एग्जाम्पल है, तो क्यों ना स्टेप बाय स्टेप करके देखें. कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं. चलिए एक वेरिएबल बनाया आई, एक बनाया पोज, पोजीशन से रिलेटेड, एक सी एच, और यहां पर हमने बना लिया एस. और इसमें मैंने रख लिया दीन दयाल और सिंह. आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट ये है, एक तो यहां पे स्पेस था बेटा और एक यहां था. इसके आगे की चीजों को समझ लेते हैं. एंटर एनी स्ट्रिंग, यहां तक की कहानी आपको समझ में आनी भी चाहिए. अब ये ट्रिम आप जानते हैं, आगे पीछे के स्पेस को खत्म करता है. इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस. ये क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव करा देगा. इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस. बट इसमें देखो ये ट्विस्ट है कि इसमें शुरुआत में एक स्पेस हम ऐड करा रहे हैं. यहां पे लिख दीजिए, मैंने लिखा यहां पे एडिंग. मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, पहले मुझे इसे पढ़ा लेने दीजिए. एडिंग वन स्पेस बिफोर, या एडिंग वन स्पेस इन द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग. शुरुआत में एक स्पेस लगा रहे हैं, देखो ये वाली जो चीज है. तो एक स्पेस अब कहां पर आ गया होगा बेटा, एक स्पेस हमारा इस जगह पर आ गया है, इस जगह पर. तो तीन स्पेस हो गए भाई, एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया. ओवरऑल तीन स्पेस हुए, एक शुरुआत में, एक तीन के बाद, और एक दयाल के बाद. अब आपको ये फंक्शन पढ़ाए गए होंगे शायद, लास्ट इंडेक्स ऑफ. देखो मेथड की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होती है, तो इसका इंडेक्स निकल कर आ गया होगा भाई. क्या होगा बताइए, इंडेक्स बताइए, लास्ट इंडेक्स ऑफ. तो एक लेटर, अब देखिए जो जीरो इंडेक्स होगा ना, जीरो वो ये स्पेस होगा. जो डी है वो किस पर आया होगा, वन पर. वन टू थ्री फोर. और जो दूसरा स्पेस है वो आया होगा फाइव पर. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव. अब ये हमारा सिक्स सेवन एट नाइन टेन. और अगला जो स्पेस होगा वो किस पर आया होगा बेटा, इलेवन पर. तो भाई साहब लास्ट इंडेक्स ऑफ से, जो लास्ट के इंडेक्स स्पेस का, ये सिंगल कोट्स में स्पेस है, तो भाई साहब इस पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 11. कितनी वैल्यू होगी बेटा, 11. अब हमने कहां से शुरुआत किया, इसे जीरो से. आई की वैल्यू इस समय क्या है, जीरो. यानी कि इस स्पेस पर टिका हुआ जो शुरुआत में लगाया था. कहां तक लूप को आप चलाएंगे,
लेस देन पूज तक। लेस देन पूज से मेरा मतलब यह है एल तक चलाना चाहते हैं आप इसे, कहां तक चलाना चाहते हैं एल तक। भाई साहब एक एक लेटर निकाला, जीरो इंडेक्स पर से क्या निकल कर देखो, कैरेट, जीरो इंडेक्स पर से स्पेस निकल कर आया होगा यहां से, सी एच की वैल्यू स्पेस के बराबर होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी भाई। तो अगर सी एच की वैल्यू स्पेस के बराबर है जो कि है, तो हमने क्या किया आई प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन इंडेक्स कहां पर आ गया होगा, वन पे, उस करेक्टर को निकाल लीजिए। तो भाई साहब यहां पर निकल कर आया डी, और उसके बाद क्या लगा दिया इस कंबक्त ने, डॉट, फिर आई प्लस प्लस हुआ, अब कहां पर आया वन पर, वन पे से लेटर निकल कर आया सी एच में डी। अब वो तो स्पेस के बराबर नहीं है भाई, वह किसके बराबर नहीं है, स्पेस के बराबर नहीं है। यही दौर चलता गया, यही दौर चलता गया, और जब ये स्पेस हमारा आया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेस, जब ये वाला जो स्पेस है वो जब आया, तो वहां पर क्या होगा पांच, जो इंडेक्स पांच की वैल्यू निकल कर स्पेस, अब आई प्लस वन, यानी कि जैसे ही स्पेस आता अगला वाला लेटर वो कौन सा था, डी, और उसके बाद फिर क्या लग गया बेटा, डॉट। यही दौर चलता चला गया, परंतु आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां पर हमने लेस देन पोज किया था, यानी कि 11 से पहले, यानी एल तक आया बस वो एल तक, और यहां तक कोई स्पेस उसे मिला नहीं, यानी कि एस के बाद डॉट नहीं लगाएगा, क्योंकि लेस देन 11 है ना ये। जब इस लूप से बाहर निकले तो एक सब स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज किया, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकाला, पोज प्लस वन, पोज की वैल्यू कितनी है पोजिशन की, 11 प्लस वन कर दिया, तो अब कंट्रोल कहां पर आ गया होगा, एस पर। और देखिए इसमें बस फ्रॉम ही फ्रॉम दिया है कि शुरुआत कहां से करनी है, एस से। टू हमने दिया ही नहीं युवराज भाई, हमने टू इसमें दिया ही नहीं है, तो ये एंड तक की चीजों को लेकर आ जाता है। तो इसके बाद क्योंकि पोज प्लस वन कर रखा था, तो इसके बाद वो पूरा एस आई एन जी एच आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। अब आपकी कुछ क्वेरीज थी, आप प्लीज मुझसे एक एक करके आप पूछिए, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा उसमें। चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नेम एंड प्रिंट द नेम विद द गिवन फॉर्मेट। अब इसमें क्या हो रहा देख रहे हैं आप, जैसे हमने दीनदयाल सिंह लिया, उसमें सिंह को तो यहां ले आए पहले, और फिर डीडी लिया हमने, यानी कि पहले वाले से थोड़ा सा अंतर है, जो सरनेम है उसको पहले लेके आ रहे हैं। सो हाउ वी डू इट, मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम पर लेके आता हूं, नेम टू मोर ऑर लेस सेम होगा, ये एक एग्जांपल ले लिया, नेम टू मेन बनाया, पोज का मतलब पोजिशन, यहां से ट्रिम आप जानते हैं, इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, इसने शुरू का लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों के स्पेस को हमने छांट दिया, इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। यहां पर हमने एक शुरुआत में एडिंग वन स्पेस इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, एडिंग वन स्पेस इन द एडिंग वन स्पेस इन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहां से देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो स्पेस है उसका इंडेक्स ऑफ निकाल लिया, वो पोजीशन में आ गया होगा। अब हमने क्या किया देखो, बस उस लास्ट वाली स्ट्रिंग को ही तो प्रिंट कराना, क्या हुआ होगा, बस मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको लिख के बता देता हूं कि एस में या शुरुआत में आपने चूंकि स्पेस लगा दिया है, तो यहां स्पेस जरूर होगा, और दीन दयाल और सिंह,
अब जो पोजीशन होगी वो लास्ट के स्पेस पर होगी ना, पोज पर, तो हमें सींग पहले लेके आना है। तो यहां पे बड़ा सरल सा कर रखा है भाई कि पहले वो सब स्ट्रिंग लिए, पोज प्लस वन, पोज प्लस वन यानी कि एस पर आ गए और ये सींग वाली वैल्यू को प्रिंट करा दिया और उसके बाद स्पेस और दे दिया है, यानी कि पोज प्लस वन यानी कि यहां से, तो आउटपुट में क्या आया होगा, एस आई एन जी एच और स्पेस लग गया होगा। फिर हमने एक लूप चला दिया जीरो से लेके कहां था, लेस देन पोज तक यानी एल तक, एक एक लेटर को निकालते चले गए। स्पेस अगर है जो कि है शुरुआत में यहां पे स्पेस, तो आई प्लस वन को निकाले क्योंकि आई जीरो है, तो यहां पर डी निकल कर आ गया, उसके बाद डॉट लग गया। अगला स्पेस कहां पर आएगा, इस जगह पे, फिर ये डी निकाल लिया होगा और उसके बाद डॉट लगा दिया, तो यहां पर डी के बाद और डी के बाद डॉट, यानी कि ये सींग पहले कैसे आ गया। पुराने वाले प्रोग्राम को अगर आप रिकैप करके देखेंगे तो जो ये वाला जो घटनाक्रम था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये लूप के नीचे था, आप उसे ओपन करके देखना प्लीज, यही तो वो प्रोग्राम था दिस वन। यहां पर ये वाली जो लाइन है वो लूप के नीचे लिख दी है, और इस वाले केस में यही लाइन ऊपर लिख दी, बट वहां पर गैप देना पड़ा है यहां पे स्पेस, क्योंकि सीन के बाद तो वैल्यू आ रही है, इसके बाद स्पेस क्यों नहीं दी, ये तो एंड में ही था इटसेल्फ। सो मुझे पूरा विश्वास है कि घर पर जाकर आप इसके ऊपर चिंतन जरूर करेंगे, आप इसके ऊपर चिंतन जरूर करेंगे। सो आपने एक चीज देखी होगी, मोर और लेस प्रोग्राम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरलेट जरूर करते हैं, एक दूसरे से चीजें कोरलेट जरूर करती हैं। यहां से आगे मैं कल पढ़ा दूंगा, ये ओवरडोज हो जाएगा आपके लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।